Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. Today we will talk about meditation. Although we have already done two episodes on meditation, but today we'll be talking about a very important issue with meditation. The important issue is, the main issue is, people keep doing all kinds of meditative methods and they try very hard in meditation, but they don't seem to reach the meditative state at all. The fruit of meditation is reaching the meditative state, which is also called samadhi. So what is the reason behind it? Is there something else required along with this meditation or meditative technique? What is the reason that people don't seem to be reaching in that meditative state? Sir, mujhe meditation karne ke liye, dhyan karne ke alawa, kya aur kya cheeze chahiye jisse ki aadmi dhyanasth ho sake? Kyunki bahut se log baat karte hain dhyan ki, aur bahut se log to aise hain ki 10 guruon ke paas wo gaye hain, ashramon mein gaye hain, aur 10 tarike se विभिन्न तरीकों से उन्होंने ध्यान किया है, मगर वो ध्यानस्थ नहीं हो गए भी, ठीक है? उन्होंने कभी समाधि का स्वाद नहीं चखा और लगभग लगभग वो वैसे ही होते हैं जैसे एक आम आदमी होता है। हाँ, थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं क्योंकि उसने ध्यान किया है, मेहनत की है, तो कुछ शारीरिक चेंज, कुछ मानसिक चेंज तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल। मगर वो खुद ही बोलते हैं कि हम ध्यानस्थ नहीं हुए, हमें समाधि नहीं लगी। तो क्या ध्यान के अलावा, प्रश्न ये है कि ध्यान के अलावा कुछ और चीज भी रिक्वायर्ड है, और चीज भी चाहिए कि आदमी ध्यानस्थ हो सके? क्यों नहीं ध्यानस्थ हो जी, ध्यानस्थ नहीं हो पाता आदमी? आध्यात्मिक लाइन में यौगिक विज्ञान ये कह रहा है कि ध्यान अगर कोई व्यक्ति लगा रहा है तो ध्यान आखिर ये क्यों लगा रहा है, क्या हासिल करना चाहता ध्यान से, और उसकी हासिल करने की स्थिति कितनी दूर है उससे। जो ध्यान जहाँ लगा रहा है, जिस दूरी पे वो ध्यान अपना ध्यान लगा रहा है, उसे ध्यान से वो चीज़ कितनी दूर है जिस लिए वो ध्यान लगा रहा है। अब ध्यान अगर लगा रहा है, जो व्यक्ति लगा रहा है, अब ध्यान लगा करके वो जो अपनी परिस्थितियों को बदलाव देख रहा है कि ये परिस्थिति हमारी बदली है, तो क्या ये बदलती हुई परिस्थिति एक ऐसी स्थिति में जाके बदल रही है कि वो मूल में अपने आ गया हो? तो ध्यान की जो अल्टीमेटली पराकाष्ठा है, जो उसका सुप्रीमो है ध्यान का, वो है उसके मूल में पहुंचना। ऐसा ध्यान कि वो ध्यान उसका मूल में पहुंच गया, ये ध्यान है। मगर अगर ध्यान से कोई व्यक्ति या कोई प्राणी ध्यान से ही मूल में चला गया होता, तो बहुत सारे ऐसे लोग ध्यान करते हैं, तो हिंदी में प्रवचन करते हैं, इंग्लिश में प्रवचन करते हैं, अपनी मातृभाषा में प्रवचन करते हैं, ध्यान सिखाते हैं, ध्यानों के बारे में बताते हैं, तरह तरह के ध्यान बताते हैं, किताबें लिखते हैं, किताबें ध्यान के बारे में लिखते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर पहुंचा देती उसके मूल में, तो फिर सीधे सीधे पहुंच जाते, तो हर आदमी वहीं जाके पहुंचता, तो वहाँ बहुत सारा एक बड़ा ध्यान लगा लगा के वहाँ एक समूह हो जाता कि भाई देखो ध्यान लगा कि यहाँ पूरे सारे इकट्ठे हो गए आकर के, और यहाँ पे सारे आने के बाद वो सब यहाँ पे इस चीज़ के लिए जिस लिए ध्यान लगाते थे वो पूर्ति हो गई। अब सवाल ये आता है कि अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है ध्यान में? तो उसकी एक बिल्कुल विशेष परिस्थिति ये है कि कोई व्यक्ति अगर ध्यान लगाता है तो ध्यान लगाते समय व्यक्ति खुद एक प्रकृति का भाग है, और प्रकृति उसको ध्यान लगाने में कितना सहयोग कर रही है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्या उसकी जितनी इच्छाएं और जितनी विचार, जितनी शक्ति, जितनी उसकी माइंड, जितना उसके संसार में अर्जित की हुई चीज़, और जितना उसके सगे संबंधी, जितने उसके मित्र हैं, जितनी उसकी अगल बगल की सब चीज़ें हैं, क्या ये संपूर्ण प्राकृतिक उसके हित में होकर के, और ये प्राकृतिक जो है ये उसके प्रतिकूलता में जब तक नहीं उसको
डालेगी, प्रतिकूलता के साथ में उसका ध्यान मैच बराबर नहीं लगेगा, तो ये कभी भी ध्यान से अपने मूल स्थिति में नहीं जाएगी और वो व्यक्ति ध्यान कभी अपने मूल स्थिति में समाधि में नहीं जा सकता है जब तक ये प्राकृतिक संपूर्ण प्राकृतिक आपके प्रतिकूल ना हो। प्रतिकूलता ही ढकेलेगी आपको अल्टीमेटली उस मूल में जाके, ध्यान नहीं ढकेलेगा। अगर ध्यान ढकेलता होता, वहाँ ले जाता होता, तो अब तक तो सारे आदमी ध्यान लगा लगा के पहुँच गए होते। इतने लोग सालों से ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान की बहुत सारी प्रक्रियाएं बता रहे हैं, इनसे लोग पहुँच गए होते पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड की। और अपने को लगा के, अपनी प्रकृति को आपको जो प्रतिकूलता है उसके अनुकूल होना पड़ेगा, तब आपका ध्यान भी बहुत तेजी से, और ये प्रतिकूलता बहुत तेजी से ध्यान के साथ उस जाके मूल में आपको ढकेल देगी जहाँ पर आपका मूल स्वरूप है। मूल स्वरूप जब है वहाँ जा कर के आपकी चाहे क्षणिक समाधि लगेगी, मगर समाधि उसी चीज को कहा जाता है कि यहाँ पर समाधिस्थ हो गया है, अब कुछ देर यहीं ठहरो, ये सारी प्रक्रिया देख तो लो कि यहाँ हो क्या रहा है। तो वहाँ थोड़ी देर की समाधि चाहिए, तो थोड़ी देर की ही समाधि लगेगी, तो लगेगी जरूर, मगर ये प्रतिकूलता जो प्राकृतिक की प्रतिकूलता है ये सब कैसे होगी, ये बड़ा एक उस प्राणी के लिए जो ध्यान लगा रहा है उसके लिए बहुत बड़ी एक चुनौती है कि वो ये सब चीज़ें कैसे कर पाएगा कि ये पूरा प्राकृतिक हमारे प्रतिकूल हो जाए और ये अनुकूल ना रहे। क्योंकि हम तो अपना एक पेन भी नहीं छोड़ना चाहते, हमारे गले में ये लटका हुआ एक मफलर है, हम इसे नहीं, इसके प्रतिकूल नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में हम कितना भी ध्यान कर लें, मूल में नहीं आप पहुंच सकते, मूल में समाधि नहीं लग सकती, चाहे क्षणिक हो चाहे लंबे काल तक हो, वहाँ कुछ समय तक आपको सारे सिस्टम को समाधित होकर देखना पड़ता है और जैसी परिस्थिति वहाँ की है वो चीज़ सब आपको समझनी पड़ती है और वहाँ समझाने वाला कोई नहीं है, इसलिए स्वयं समझ में आती है हर चीज़। तो इसे मूल की प्रक्रिया जो है इसे ध्यान कहना बोलते हैं। मगर जब तक ये चीज़ें प्रतिकूल नहीं होगी, जब तक आपके जीवन में सभी चीज़ें अनुकूल हैं, आप ध्यान लगाओ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ध्यान लगाओ और गुरुओं से ध्यान सीखो और जाके आप मेहनत करो, आप घंटों ध्यान में लगे रहो, मगर अभी प्राकृतिक आपके अनुकूल है, सगे संबंधी सब आपके अनुकूल हैं, आपको मूल में पहुँचना असंभव है, ये हो नहीं सकता। तो इसके लिए ये चीज, ये विषय जो है जानना बड़ा जरूरी है कि ध्यान के साथ साथ आपको प्रकृति की प्रतिकूलता हो, उन चीज़ों की जो आप जिन्हें जो चीज़ें आपकी अपनी हैं उन चीज़ों की प्रतिकूलता हो और उनके अनुरूप आप हो, ये नहीं कि उनका आप विरोध कर रहे हो। और विरोध करते हुए अगर आप कहो कि ध्यान करके हम तो भाई साहब प्रतिकूल थी, हमने विरोध किया, अब हम तो मूल में पहुंच गए, ऐसा नहीं, प्रतिकूलता के अनुकूल, प्रतिकूलता के अनुकूल। ओके, इट मींस इन ऑर्डर टू रीच अ मेडिटेटिव स्टेट टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड, वन इज द पर्सन हु इज मेडिटेटिंग एंड द सेकंड इज हिज और हर सर्कमस्टांसेस। हियर सर्कमस्टांसेस मींस प्रकृति, his own personal circumstances. Until the circumstances are negative or circumstances are opposite to that person, then there cannot be a gap between the prakriti or the substances, circumstances and the person, right? So this negative circumstance is very, very important in order for person to reach the meditative state. So two things are required. One is the meditation, which is done by the person doing meditation, and the negative circumstances in which he is or he exists, right? So and this is negative circumstances which make him or her jump into the meditative state, not doing meditation for long hours. Doing long hour meditation is one thing, that is fine, it can move you to some distance, but you cannot reach
to that meditative state or samadhi until you have opposite or negative circumstances around you. Circumstances like your relatives, your friends, your own house, your belongings, your education, your society, your culture, everything, your country, everything. Okay, if these circumstances are negative to you, then it will become a challenge for you, and it will create a great energy in you, and that energy make you jump into that meditative state. It is very, very important, and that is why people go on doing all kinds of meditative technique, but they don't seem to be reaching the meditative state because they are not in front of the negative circumstances. All the circumstances are along with him, or they are conducive to the person. That is why person remains as it is. So negative circumstances or negative prakriti is also required for a person to reach in meditative state or in samadhi. Thank you.